फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग किसी कंपनी या किसी कंपनी के स्टॉक के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि ये वीडियो बेहद खास होने वाला है इस मामले में कि इस वीडियो में आज कुछ आप लोगों को अलग दिखाने जा रहा हूं, एक अलग मुद्दे पर बात होगी। दरअसल बात यह है कि मैंने आप सभी के लिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए एक नया सा टैबलेट खरीदा है। उस टैबलेट का अनबॉक्सिंग करेंगे, जानेंगे वो टैबलेट कैसा है और मैंने किस किस पर्पस के लिए उस टैबलेट को खरीदा है और उस पर्पस पर टैबलेट कितना खरा उतर रहा है, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं शुरू से। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना Realme Pad 2। Realme का पैड है, काफी शानदार पैड है। चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, बॉक्स को हटाते हैं, धीरे धीरे बॉक्स को हटा रहे हैं। ये अपना Realme Pad 2 है, प्लास्टिक में कवर है। सबसे पहले हम करते हैं इस प्लास्टिक को नोचते हैं और इसमें से निकालते हैं अपना प्यारा सा टैबलेट। ये रहा दोस्तों अपना Realme टैबलेट, क्या शानदार टैबलेट है। यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैंने अपना प्रॉपर GB मेरे काम का चीज़ है, मैंने इसमें काम का सेटिंग करके रखा हुआ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जल्दी से देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो इसमें सबसे पहले एक कागज मैंने जिस दुकान से ये खरीदा है उसका एक कागज, गुड़गांव में ये दुकान है, आप चाहें तो यहाँ से भी खरीद सकते हैं। और अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें है चार्जर का ये पिन और ये टूल पिन है जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, इसको ऐसे रहने देते हैं। और इसमें देखेंगे ये रहा 33 वाट का सुपर फास्ट चार्जर। सबसे बड़ी बात ये लगी कि इस टैबलेट में 33 वाट का चार्जर दिया है। 33 वाट का चार्जर में चार्ज होने में ज्यादा समय नहीं लगता, जल्दी चार्ज हो जाता है। आपको पता है 8800 mAh का बैटरी जिसे चार्ज होने के लिए काफी समय चाहिए, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसको करते हैं साइड, अब सीधे बात करते हैं हम लोग अपना टैबलेट का। इस पे रख लेते हैं टैबलेट को ताकि बातों को समझने में आसानी होगी। सबसे पहले Realme टैबलेट की खास बात यह है कि ये एक 4G और Wi-Fi वेरिएंट है, यानी कि आप इसमें सिम भी डाल सकते हैं। सिम डालने के लिए यहाँ पे देखेंगे, ये यहाँ से आप सिम को डाल सकते हैं और इसमें एक अलग से मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें मिलता है हमें 4 स्पीकर, 2 स्पीकर ऊपर है और 2 स्पीकर नीचे है, यानी कि यदि YouTube देखते हैं, मैच वगैरह देखते हैं तो काफी मजा आने वाला है आपको मैच देखने में। और यहाँ से मिल जाता है हमें वॉल्यूम कम करने के लिए और वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ये 2 बटन, और साथ में यदि पावर ऑन ऑफ करना है तो पावर ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे इसका 1 बटन दिया हुआ है। यही पर यदि कैमरे की बात करें तो कैमरा देखेंगे 8 मेगापिक्सल का शानदार कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है, या 8 या 13 मेगापिक्सल का, मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन 8 से कम नहीं, ये बहुत तगड़ा कैमरा है। ऐसा नहीं कि टैबलेट का कैमरा है जो थोड़ा सा कमजोर होगा, ऐसी बात नहीं है, कैमरा बहुत अच्छा है। अब चलिए अंदर की चीज देखते हैं, अंदर में और क्या क्या चीज है। यहाँ पे देखेंगे मैंने अपने सभी काम के एप्लीकेशन से रखे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे शेयर्स मार्केट की जितनी भी चीजें होती हैं, ट्रेडिंग व्यू, एम स्टॉक, धन, एंजल वन, ये सारी चीजें रखे हुए। और ये जो नीचे वाला रो देखे इसमें मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए जितनी भी एप्लीकेशन की होती है, जैसे काइंड मास्टर हो गया, रिकॉर्डर हो गया, पिक्सल है, YT स्टूडियो, ये सारी चीजें मैंने यूट्यूब के लिए रखा हुआ। बेसिकली दो मेरे इस टैबलेट से मेन काम है, एक वीडियो एडिटिंग करना और दूसरा जो है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वर्क करना। ट्रेडिंग वर्क करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का चार्ट रखा, हालांकि मैंने अभी वाईफाई से कनेक्ट नहीं किया हुआ है तो यहाँ पे ये नहीं दिखाई देगा। ये चलिए आपको गाना सुनाकर दिखा देता हूँ, गाना इसमें कितना शानदार आवाज आता है, 4 स्पीकर दिया गया है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि बैटरी बैकअप शानदार है, इसमें हर एक चीज बेहतर है, प्रोसेसर से लेकर बैटरी पावर तक। अब सबसे मेन बात है, बात करते हैं प्राइस की। मुझे ये टैबलेट पड़ा है 19,000 के करीब, मैंने दुकान पर से जाके खरीदा था, मुझको दुकान पर ये 18,000 के करीब में पड़ गया और 18,000 इस टैबलेट को लेकर काफी संतुष्ट हूँ, क्योंकि 18,000 में इतना बड़ा यह टैबलेट है, तकरीबन 11.5 इंच का टैबलेट है, मैं इसको लेकर बहुत खुश हूँ, मेरे लिए परफेक्ट काम कर रहा है। कोई भी आपको काम करना चाहे, गेमिंग करना हो, वीडियो एडिटिंग करना हो, कुछ भी करना हो, आप इसको एज ए लैपटॉप यूज कर सकते हैं, इतना तगड़ा इसका प्रोसेसर दिया, कोई दिक्कत कोई कमी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों अभी मैंने इस टैबलेट को कवर में लगा दिया और कवर में देखेंगे ये टैबलेट कितना शानदार दिख रहा है। कवर आगे से ये रहा और पीछे से देखेंगे तो पीछे से देखने में कवर ऐसा दिखता है, ये शानदार लुक देता है। इसका अपना अपना काम भी है, का क्या काम है मैं यह भी बताऊंगा। इसमें कैमरा कितना खूबसूरत लग रहा है, ये मैं टैबलेट को पीछे से दिखा रहा हूँ, यदि आगे से दिखाऊं तो ये आगे का भाग हुआ और ये ऐसे खुलता है टैबलेट अपना। और ये जो दिया गया है इस पर टैबलेट को स्टैंड मोड में आप खड़ा कर सकते हैं, इसलिए ऐसा दिया गया है। यहाँ से हम टैबलेट को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद देखेंगे टैबलेट कितना खूबसूरत लग रहा है। तो अभी देखेंगे आप, मैंने इस टैबलेट को इस स्टैंड पर खड़ा कर दिया है और अब यहाँ से जब चालू करते हैं तब अब इस टैबलेट को लैपटॉप की भांति हम चला सकते हैं। अब ये टैबलेट देखने में और भी खूबसूरत लग रहा है, इसलिए मैंने ये वाला कवर लिया, क्योंकि इस कवर के माध्यम से टैबलेट को लैपटॉप के जैसा हम बना सकते हैं, खड़ा कर सकते हैं और यहाँ पे एक कीबोर्ड लगा के इसको लैपटॉप के जैसा भी चला सकते हैं और या यहाँ पर अपना काम भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये देखेंगे यहाँ पे काइंड मास्टर दिख रहा है जिसमें वीडियो एडिटिंग करता हूँ, इसके साथ यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू दिख रहा है जिसमें मैं चार्ट वगैरह देख के अपना शेयर मार्केट का काम करता हूँ,
और मैं बेसिकली एमएस स्टॉक में ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि इसमें ब्रोकरेज नहीं लगता है। यहाँ से मैं टैग चुराता हूँ, यहाँ से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ और YTS स्टूडियो रहा ये, जहाँ से हम ये देख लेते हैं कि कितना हमारा कमाई तमाई हुआ। रियलमी टैब को लेकर मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, परफॉर्मेंस काफी तगड़ा है, चलाने में भी स्मूथ लगता है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक बार यदि आप टैबलेट को लेते हैं तो काफी शुक्रिया अदा करेंगे रियलमी का, क्योंकि यह आपके मन के मुताबिक एकदम खड़ा उतरेगा आपकी उम्मीदों पर। एक बार और फिर से देख लीजिए टैबलेट की खूबसूरती, कितनी शानदार खूबसूरती है, इसका देखने में भी मस्त लुक लग रहा है और एकदम स्लिम बड़ी इसका जो बनाया है ये मुझे काफी प्रभावित और आकर्षित कर रहा है। मैं इस टैबलेट को लेकर बहुत खुश हूँ रियलमी पैड 2 से। यदि आपके मन में इस टैबलेट से लेकर कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन, मुझसे कमेंट में जरूर पूछेगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।